सब्सक्राइब कीजिए इंफ्राटेक यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, इंफ्राटेक यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में होंडा की ग्रोम 125 मिनी बाइक काफ़ी पॉपुलर होती जा रही है और ये काफ़ी ख़ास बाइक बनती जा रही है। नई होंडा ग्रोम 125 के फीचर से अब पर्दा उठ गया है। यह बाइक अपने सेगमेंट के हिसाब से शानदार फीचर से लैस है। आपको बता दें कि कुछ कंट्रीज़ में इस मिनी बाइक को होंडा MSX 125 के नाम से बेचा जा रहा है। बाइक तीन कलर ऑप्शंस में आती है, इसमें रेड ब्लू, वाइट रेड और येलो ब्लैक शामिल है। बाइक की अच्छी परफॉर्मेंस और छोटा साइज़ लोगों को काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। इसके चलते होंडा ग्रोम 125 इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी पॉपुलर बाइक बन गई है। इसके पुराने मॉडल के मुकाबले नए मॉडल होंडा ग्रोम 125 में काफ़ी बदलाव किए गए हैं। इसमें LED हैंडलैम्प, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एलॉय व्हील और ऑप्शनल ABS जैसे फीचर शामिल हैं। बाइक का व्हील बेस 1100 mm जबकि सीट की ऊंचाई 762 mm है। बाइक को इंटरनेशनल मार्केट में बेचा जा रहा है। हालांकि फ़िलहाल इस बाइक को इंडिया में लॉन्च करने की कंपनी की कोई योजना नहीं है। आपको बता दें कि कंपनी ने बाइक की तरह दिखने वाले अपने स्कूटर नबी को बंद कर दिया है, इसलिए माना जा रहा है कि कंपनी भविष्य में इस बाइक को इंडिया में लॉन्च कर सकती है। हालांकि भले ही कंपनी ने इस बाइक को अभी तक भारतीय बाज़ार में लॉन्च नहीं किया, लेकिन कुछ साल पहले इसे टेस्टिंग के दौरान यहां देखा गया था। होंडा ग्रोम 125 का इंजन 9.7 HP की पावर और 10.9 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। वहीं इंडियन मार्केट में बिकने वाली होंडा की कंप्यूटर बाइक SP125 में भी करीब इतना ही पावर और टॉर्क मिलता है। होंडा ग्रोम 125 का 124.9 cc सिंगल सिलेंडर 4-speed गियरबॉक्स से लेस इंजन दिया गया है और होंडा ग्रोम 125 साइज के हिसाब से इसका पावर काफ़ी अच्छा है। तो ये काफ़ी पॉपुलर बाइक होती जा रही है इंटरनेशनल मार्केट में, हो सकता है कि इंडिया में भी लॉन्च हो जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर फ्यूचर में आप इसी टाइप की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और अगर आप कोई सुझाव सजेशन देना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।